तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं हूँ आपके साथ अर्जुन गोस्वामी। तो आज अचानक से ही बॉडी बिल्डिंग के ऊपर मन में आई बनाने की। एक्चुअली में हुआ क्या, कल जब वर्कआउट करने जिम में गया था तो कुछ पूछने लग गए कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है गेन करने का, गर्मियों में ज़्यादा होती है या सर्दियों में। तो सोचा उसे बता रहा हूँ, वीडियो भी बना दूँ, हेल्प हो ही जाएगी। तो जो लोग फ्रेशर हैं और फिटनेस लाइन में हैं, जिम वगैरह नहीं करते हैं या फिर जो करते हैं, तो ये जो 4 महीने हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के, ये 4 मंथ्स बॉडी गेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। होता क्या है, जो हमारी मसल्स होती है वो हैवी वेट मारने पर बॉडी में पानी की कमी से क्या होता है, जब हम हैवी वेट मारते हैं तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो हैवी वेट मारने से शरीर में सूखे की वजह से क्रैक हो जाती हैं। जब क्रैक हो जाती हैं तो हम जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो क्रैक होकर चौड़ी हो जाती हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारी जो शरीर है वो थोड़ा फटने लग जाता है। आपने देखा होगा स्किन ज़्यादातर यहाँ से या बाइसेप वगैरह पे से चौड़ी होने लगती है। तो उसका क्या होता है, अगर हमारी डाइट वाइट अच्छी है, डाइट में हम पोटैटो वगैरह, आलू और बनाना वगैरह अगर ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी फटी हुई मसल्स होती हैं, अगर डाइट हमारी अच्छी है तो वो उसे भरने का काम करती है, जिससे हमारा जो गेन होता है वो 2x प्लस हो जाता है। और एक चीज़ गेनिंग पे, सबसे पहले तो डाइट डिपेंड करती है, दूसरा वर्कआउट हमारा हैवी होना चाहिए, तीसरा हमारा मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर जो है ठंड का होना चाहिए। अगर आप इसे सुबह के टाइम में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसा होता है सुबह में टेम्परेचर जो होता है हमारा थोड़ा लो होता है, जिससे हम अगर वर्कआउट करते हैं तो पसीना आने में टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा हम हैवी वर्कआउट करेंगे, पसीना आएगा तो समझो कि हमारा वर्कआउट काम कर रहा है। उस हिसाब में उस टाइम पर बॉडी बिल्डिंग मतलब वर्कआउट करना बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है बॉडी बिल्डिंग में, और बॉडी बिल्डिंग तो आजकल जैसे ज़रूरी हो गई है, क्योंकि चारों तरफ आपके साइड में बीमारियां, फूड पॉइजन वगैरह, खाने पीने की वजह से रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमें फिटनेस करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कहता कि जिम वगैरह जाओ, रनिंग वगैरह करो, योगा वगैरह करो, कुछ ना कुछ करना चाहिए, इससे हम फिट रह सकें। दूसरी चीज़ गेनिंग टाइम में जो सबसे ज़्यादा सहायता करती है वो होती है हमारी नींद। और ठंड का जो समय है वो एक इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो हमारा डे होता है सर्दियों में वो छोटा होता है, तो मतलब खाना वाना खा लेते हैं। अगर सुबह हम राइस मतलब 8 बजे भी उठ रहे हैं तो शाम को नॉर्मली वही 8 बजे हम आराम से सो जाते हैं, तो हमें काफ़ी टाइम सोने का मिल जाता है। तो गेनिंग में हमें नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डाइट का हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो अब दूसरी चीज़ ये होती है इम्पोर्टेंट गेनिंग के लिए, नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब बता देते हैं डाइट क्या क्या है, नॉर्मल डाइट बताऊँगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं बताऊँगा। सबसे ज़्यादा क्या करना है, सुबह सुबह अगर दूध होता है घर में या कहीं बाहर से आप अवॉइड करते हैं, तो आपको दही जमाना है रात को, 2 आलू दही में डालकर खा लेने हैं, उसमें आप केला भी ऐड कर सकते हैं, सुबह की है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लोग क्या करते हैं, प्रोटीन वगैरह जो डिब्बे वगैरह होते हैं खाने के हमारे, वे उसे पाउडर बोल देते हैं। मतलब अवॉइड करना तो खुद के बस की होता नहीं है, किसी को बुरा लगे तो बता देना, वरना मेरा काम है बताना और मैं बता रहा हूँ। तो जो पाउडर वगैरह इनको बोलते हैं, तो भाई प्लीज़ ऐसा ना बोलें। सिर्फ इसका जो सही काम होता है पाउडर का, वो ये होता है, हमें अपने बॉडी वेट से 2x पर हमें प्रोटीन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करना होता है, तभी जाके हमारी जो बॉडी होती है वो गेन कर पाती है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि पाउडर खा रहा है, ये खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। हमें अपने डबल प्रोटीन लेने के लिए बॉडी वेट से हमें कम से कम 5-6 बार खाना खाना पड़ता है। और जो लोग जॉब वगैरह करते हैं या नहीं भी करते, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। जो लोग जॉब वगैरह करते हैं या वैसे भी 5-6 बार खाने का टाइम नहीं निकाल पाते, या दूसरी चीज़ जिनकी वर्थ इनकम जो कमा नहीं रहे कम है, और वो क्या सोचते हैं, अगर हमारे अंडे में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, दही अगर हम 100-150 ग्राम ले तो ज़्यादा 6 ग्राम, चावल वगैरह सब्जी वगैरह खा रहे हैं 8-10 ग्राम प्रोटीन, तो कुल मिला के अगर हम 3-4 बार खाना खाएं भी, तो हमारा मिनिमम 100 ग्राम प्रोटीन हो पाता है। 26 या 30 के अवॉइड में 1 लीटर दूध के अंदर हमारा प्रोटीन होता है, तो हम फिर भी अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं जितना हमारी बॉडी को इंक्रीज़ करने में चाहिए। तो मेन चीज़ ये होती है कि अगर हम 5-6 बार हमारा प्रोटीन अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट या डिनर लंच वगैरह से, तो हमें क्या करने होते हैं। इस चीज़ के लिए ही हम वे प्रोटीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि बाजी वे प्रोटीन इतने हैवी होते हैं, जिनमें एक स्कूप में 20 ग्राम 15 ग्राम या 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो आपके जो रूटीन में होते हैं वो 2 स्कूप प्रोटीन होता है, आप अगर शाम को ले रहे हैं सोते समय तो और भी अच्छा है। तो उससे क्या होता है, हमें 50 ग्राम प्रोटीन एक साथ हमारी बॉडी में इंजर्ड हो जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने प्रोटीन को बॉडी वेट के हिसाब तक ले जाने में। तो
मॉर्निंग में अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, रात को दही जमा लेना है, और दही में 2 आलू उबले हुए प्लस में आप बनाना ऐड कर सकते हैं और आप खा सकते हैं। कम से कम उसकी क्वांटिटी 150 से 200 ग्राम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दोपहर में थोड़े से चावल ले सकते हैं दाल के साथ में, और उसमें डाल सकते हैं आप कैप्सिकम वगैरह, ठीक है। अराउंड में समथिंग 2 बजे के आसपास आप क्या कर सकते हैं, 4 उबले हुए एग्स ले सकते हैं, थोड़ा ब्राउन राइस ले सकते हैं, दाल, 2 रोटी अगर आप इतना खा सकते हैं तो, वरना फिर रोटी नहीं ले सकते, राइस और अंडे वगैरह ही ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप कभी भी ये गलती ना करें, उबले हुए अंडों के जो पीला वाला पार्ट होता है उसे बाहर निकाल दें, ओनली ऑन एग वाइट यूज़ करें। उसके बाद में जब आप वर्कआउट जाएँ तो उससे पहले कैफीन वगैरह जैसे कॉफ़ी होती है, पाउच आते हैं 2 रुपये वाले, वो ले सकते हैं, या फिर अपनी जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह जो भी आप ले रहे हैं, इलेक्ट्रोल वगैरह, या जो आपके जिम ट्रेन ने आपको बताया अवॉइड कराया जो भी, वो ले सकते हैं। देन उसके बाद में वर्कआउट के बाद में आपको क्या करना है, कम से कम 1 घंटे का ब्रेक लेना है जिम से आने के बाद में। ओनली जिम वर्कआउट के बाद आप प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, और कुछ भारी कोई भी चीज़ नहीं खानी है। तो वर्कआउट के 1 घंटे बाद जब आप घर पर आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आप जो भी आपके घर पे बना हो, चाहे वो रोटी हो या कोई फ्रूट्स वगैरह हो, डिनर में जो भी आपके घर बना हो, आपको कोई भी चॉइस वगैरह नहीं करनी है, आप कुछ भी खुल के खा सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन में एक बार आप अगर खाना, बस अच्छा होना चाहिए, बाहर का स्ट्रीट फूड वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आप खा सकते हैं। और उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, सोते समय प्रोटीन के साथ जो अपना वे प्रोटीन है वो तो ले ही सकते हैं, दूध में लें तो भी अच्छा है, अगर पानी में लें तो और भी अच्छा है, आप कम से कम 1 या आधा लीटर दूध ज़रूर पीएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ज़्यादा इसमें आपका कोई भी इन्वेस्ट नहीं होता है, और बॉडी में आपकी बताऊँ बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाली है। देन आप एक मील में, एक चीज़ मेरी बात ज़रूर मान लीजिएगा, एक मील में आप गेहूं का घर वाला जो दलिया होता है गेन करने के लिए, उसको ज़रूर लें, या अगर वो नहीं है या आपको अच्छा नहीं लगता तो उसके साथ में आप ओट्स ले सकते हैं, जो दलिए के ही एवरेज में आता है, और ओट्स आप कम ना लें, थोड़े ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिटनेस से जुड़े या फिर किसी आपके करियर को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।